हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनावों की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो वहीं बारिश ने भी पहली दस्तक देकर मौसम को ठंडा कर दिया है। सोलन में शुक्रवार सुबह से ही मौसम खराब होने के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे शुष्क मौसम के चलते होने वाली बीमारियों से राहत मिलने की संभावना है। वहीं सर्दी की पहली बारिश से हुई ठंड के कारण लोग गर्म कपड़े पहनने दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन तक मौसम खराब रहेगा और तेज बारिश रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि समय से पहले ही सर्दी अधिक पड़ेगी। सर्दी के आसार आगामी विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कुछ विधानसभा क्षेत्र ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होने के कारण वहां बर्फबारी भी हो सकती है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं की दिलों की धड़कन भी तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि इससे परेशानी बढ़ेगी।